स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अब शहर के लोगों के साथ सिंगरौली नगर निगम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आम लोगों को अपने घर मोहल्ले के आसपास सफाई रखनी होगी, गंदगी होने पर नगर निगम को बताना होगा। नगर निगम को गंदगी के मामले में त्वरित कार्यवाही करनी होगी। कम से कम जनवरी माह में तो शहर का हर वार्ड, मोहल्ला और गली तो स्वच्छ दिखना ही होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों के अनुसार 3 जनवरी से 31 जनवरी तक यह अभियान नगर निगम के शहर वार्ड के हर गलियों में चलाया जाएगा। जहां आज वार्ड 41 में सिंगरौली कलेक्टर KVS चौधरी व निगमायुक्त शिवेंद्र सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ उपस्थित सभी लोगों से चर्चा की गई। अब नगर निगम को सुबह से शाम तक शहर में कहीं कूड़ा का ढेर ना दिखे तो इसके लिए कार्यवाही करनी होगी। इसमें हम दो तीन बिंदु सबको बताना चाह रहे हैं। एक है कि स्वच्छता ऐप का उपयोग करें। आप गूगल प्ले स्टोर में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप शहर के कोई भी आपके कॉलोनी, गली या नाली, कहीं पे भी गंदी स्थान है जहाँ पे सफाई की आवश्यकता है, उसमें आप उसका फोटो खींच के माने अपलोड कर सकते हैं। नगर निगम टीम उसमें मैं लगातार देख रहे हैं। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि 24 घंटों के अंदर उसका रिजॉल्व करके, सफाई करके, साफ किया गया जगह का फोटो वापस माने उस माने जगह का हम लोग अपलोड करें। इसी प्रकार नगर निगम एक माने हेल्पलाइन नंबर सबको देना चाह रहा है, 7610107107, जिसमें कहीं पे मान लीजिए गाड़ी मालिक घर तक नहीं आ पाई, या नहीं तो मान लीजिए कहीं पे गंदी जगह जहाँ पे साफ करना मतलब चाहते हैं, ये फीडबैक देंगे तो मान लीजिए उस प्रकार की आपकी सहभागिता से, फीडबैक से नगर निगम वाले उसमें अच्छे से काम करके स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे काम कर पाएंगे। इसी प्रकार एक सभी नागरिकों से अपील है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नागरिकों से भी प्रतिक्रिया माने सिटीजन फीडबैक मांगी जाती है। तो जब माने बाहर की टीम आके माने शहर के अलग अलग मतलब नागरिकों से जब फीडबैक लेंगे, आप सब लोग आपके संतुष्टि के आधार पर नगर निगम की माने परफॉर्मेंस को, स्वच्छता के संबंध में जो किया गया काम को आप जरूर अपना प्रतिक्रिया दें। आप सकारात्मक रूप से उसमें भाग लेंगे तो शहर को भी मतलब अच्छा फायदा होगा और एक साफ और माने स्वच्छ माने शहर के लिए अपन सभी लोग मिलकर काम करें। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।